मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया है। दरअसल विपक्ष लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बयान की मांग कर रहा है, जिसे लेकर हंगामा मचा रखा है। लेकिन विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संसद में अचानक भड़क गईं और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल पर बात करने की हिम्मत क्यों नहीं करते। दरअसल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा करते हुए मणिपुर पर नारेबाजी की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नाराज हो गईं और विपक्ष को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार पर भी चर्चा करो। स्मृति ईरानी को दरअसल गुस्सा इस बात को लेकर आया कि बीजेपी सांसद और एथलीट पीटी उषा जब राज्यसभा में अपनी बात रख रही थी, तब विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और मणिपुर मणिपुर के नारे लगाने लगे। इसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भड़क गईं और विपक्षी सांसदों को फटकार लगा दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।